press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. भिवाड़ी पुलिस ने शहर के बाईपास पर सुखम टावर में चल रहे एक स्पा सेंटर पर सोमवार को छापेमारी कर देह व्यापार करते 3 युवतियों और 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उप अधीक्षक अर्जुन सिंह शेखावत ने बताया कि सुखम टावर स्थित डायमंड स्पा सेंटर पर देह व्यापार की शिकायत मिल रही थी, जिस पर सोमवार को एक बोगस ग्राहक भेजकर पुष्टि कराई गई। बोगस ग्राहक का इशारा मिलने पर पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापा मारा, जिसमें स्पा सेंटर के संचालक सहित 2 युवतियों और 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों में स्पा सेंटर की संचालिका भिवाड़ी की कॉस्मोस ग्रीन सोसाइटी में रहती है, जो मूलतः रोहतक के स्थल बोहर की निवासी है। इसके साथ ही 2 युवती सूरत नगर गुरुग्राम व मेहम रोहतक की पकड़ी गई हैं, जबकि स्पा सेंटर का एक कर्मचारी दिनेश निवासी पनवाड़ी उत्तर प्रदेश, सुभाष निवासी बनवन और अजीत निवासी पथरेड़ी, विशंबर निवासी जसरापुर खेतड़ी का मौके से पकड़ा गया है। सभी आरोपियों को पीटा एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया है। सीओ शेखावत ने बताया कि पुलिस जांच कर रही है कब से उक्त स्पा सेंटर में देह व्यापार चल रहा था। आज जरिए मुखबिर दोपहर बाद सूचना मिली कि डायमंड स्पा सेंटर सुखम टावर में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है, जिस पर बोगस ग्राहक भेजकर दबिश दी गई। 3 युवती एवं 4 युवकों को पीटा एक्ट में पकड़ा गया है, जिनका मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान कर पिछले कुछ समय से चलने की सूचना मिल रही थी, जिस पर यह कार्रवाई की। यह आयु बता पाएंगे हमारे। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।